नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। पिंडवाड़ा 28 मार्च उंदरा ग्राम में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा आयोजन किया गया। ग्राम के मध्य हनुमान मंदिर के प्रांगण पर सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए, जहां पूज्य संत का सम्मान ग्रामवासियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लक्ष्मण रावल, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि भगवान राम आज से ठीक 88,203 वर्ष पूर्व भगवान राम का जन्म हुआ था, क्योंकि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेकर इस धरती को पाप से मुक्त करते हैं। त्रेता युग में भी ऋषि मुनियों संतों पर दानवों द्वारा अत्याचार होता था, जिससे ऋषि मुनियों को हवन पूजा पाठ करने पर कठिनाई होती थी। जो भी पूजा पाठ या हवन वगैरह करते तो राक्षस उन ऋषियों को मार देते थे। इस अधर्म को देखकर विश्वामित्र अयोध्या गए और राजा दशरथ को कहा, ऋषियों और धर्म की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए और इस धरती से राक्षसों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा की और धर्म की रक्षा की। अखिल भारतीय नारी सम्मान के लिए रावण का वध किया और राम राज्य की स्थापना कर पूरे विश्व को समरसता का संदेश दिया। लेकिन अब कलयुग में फिर कुछ दानवों का जन्म हुआ, जो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, देश विरोध करते हैं, जाति भेदभाव करके हिंदुओं को आपस में तोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से लड़ना होगा हमें साथ रहकर, नहीं तो देख लो, जहां हिंदू बटा वहां देश कटा। कश्मीर से भागकर यहां आ गए, लेकिन यहां से भागकर कहां जाओगे? हिंदुओं का सिर्फ एक यही देश है, उसे भी ऐसे दानवों ने सर्कुलर देश घोषित कर दिया। लेकिन हमें भी एक प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम भी भारत को अखंड बनाकर हिंदू राष्ट्र देश बना देंगे। हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा की रवानगी की गई, जो ग्राम के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः हनुमान आकर समापन किया गया। शोभा यात्रा में पूरे ग्रामवासियों ने भाग लिया और दुर्गा वाहिनी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय घोष किया और जगह जगह पर ग्रामीणों ने जल सेवा और पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली के साथ पिंडवाड़ा पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा, शांतिपूर्ण शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।